अवैध नर्सिंग होम्योपैथी पर छापेमारी, अभियान विभाग पर लगे घोर लापरवाही के आरोप। मोहनिया पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, गोपालगंज सीट पर हुई हार पर कही बड़ी बात। केजीबी के कर्मियों ने किया एक दिवसीय धरना, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कोसुक नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट, मारपीट के दौरान 6 लोग घायल, घायलों को कराया गया सदर अस्पताल में भर्ती। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का जमकर किया घेराव। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बक्सर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत अहिल्या धाम में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में आयोजित धर्म सम्मेलन में पहुंचे और कहा कि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ेगा और कष्ट सहना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करेगा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में आवारा पशुओं के आतंक से लोगों में दहशत बना हुआ है और दो सांडों के उत्पात का पूरा वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि नगर के माड़वाड़ी मोहल्ले में एक दुकान में दो सांडों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे हजारों रुपए के सामान की क्षति हुई है। बेतिया में आपसी विवाद को लेकर नाराज पत्नी ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले को लेकर पटखौली ओपी प्रभारी ने बताया कि मृतिका के पिता ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कितना दिन से तबीयत खराब चल रहा था? एक दो महीने से। और कहाँ लड़की, घर कहाँ है, ससुराल कहाँ है? ससुराल है सुपन में, घर है मेघोल में। कब सूचना मिली है आपको? सुबह शाम को, कल शाम 6 बजे। कब की मरी हुई है? कल 6 बजे शाम। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। आप मृतक का कौन है? खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर में सोमवार को स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी व अचला जिलाधिकारी और पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक टीम गठित कर चल रहे अवैध नर्सिंग होम्योपैथिक पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां होम साइंस क्लिनिक में 11 मरीजों की सर्जरी किया हुआ पाए गए, जिसके बाद चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि इन सभी मरीजों को बेतिया GSCH बेहतर उपचार के लिए भेजा जाएगा। हालांकि विभाग की घोर लापरवाही के चलते किसी भी मरीज को बेतिया GMCH नहीं भेजा जा सका। और जो जांच किए थे कल, हम जितने भी अल्ट्रासाउंड के जांच किए थे उनके पेपर मंगवाए हैं। बहुतों को 25 तक रिन्यूअल है, किसी को 23 तक रिन्यूअल है, तो रिन्यूअल वाले को इंक्वायरी की आवश्यकता, सील की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात कि एक और अस्पताल, अपना अस्पताल कहीं है, उसको भी जो है सो अभी देखेंगे। हो गया तो धक्का धक्की भी करने को तैयार हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? जबरन भाग गया तो वो सब जाना शुरू कर दिया, तो झगड़ा झंझट तो नहीं ना करते। अच्छा, कहीं से इस विभाग के व्यक्ति के किसी का फोन ओन भी आया कि आप लोग धीरे निकल जाइए सबको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उनको बरामद किया गया, जो भी संचालक थे वो फरार हो चुके थे और कोई भी स्टाफ, कोई डॉक्टर, कुछ बरामद नहीं हुआ।
एक डॉक्टर की इसमें पाई गई है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जिसको कि हम चेक करवा रहे हैं। डॉक्टर का नाम है, उसमें डिग्री है और सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको कि अभी चेक करना होगा कि वो फर्जी है, रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है, डॉक्टर फर्जी है या नेम उसका गलत तरीके से यूज। एनटीपीसी अपने मजदूरों के साथ हर बार छल करता है, इसी को लेकर भागलपुर के मजदूरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और ठेकेदारों ने मजदूरों और एनटीपीसी के प्रबंधक को आरोप लगाए हैं। वही मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, एनटीपीसी में कोयला की गाड़ी को जाने नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार बहाल किए हैं, सही समय पर पेमेंट नहीं देते हैं, इसके बाद जो मजदूर रोगग्रस्त हो गए उनके लड़के को काम पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह मजदूर जो है सालों साल काम करते करते थक करके रोगग्रस्त हो करके या पैर टूट गया, हाथ टूट गया, लेकिन उनका आज जो है ऐसी दशा हो रही है, कहता है कि हम उनके लड़के को काम पर नहीं ले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, ठेकेदारों ने मजदूरों और एनटीपीसी के प्रबंधक पर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? एनटीपीसी के द्वारा हर बार देखा जा रहा है कि मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें से कुछ अभी आरोप वहां के ही मजदूर ने लगाए कि 4 महीने से ठेकेदार के द्वारा पैसा नहीं दिया गया, काम करा के पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद एनटीपीसी प्रबंधक पहले अनुकंपा पे जॉब वहाँ पे जॉब हुआ करता था, आज ये नए एनटीपीसी प्रबंधक आए हुए हैं जो कि ये अपना नया ही कानून अपने से ही बना रहे हैं। कृष्णा, मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? मजदूर का तो कहना साफ साफ है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जब तक हमको नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। और आज अधिकारी भी आए हुए थे और उसमें से कुछ ठेकेदार जो वहाँ के मतलब कि ठेकेदार के बेटे पुत्र सारे लोग फोन करके वीडियो को डिलीट कराने की धमकी तक दिया जा रहा है। जी धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान कैमूर मोहनिया पहुंचे और बिहार में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में 1 सीट पर हुई हार पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बिहार के एक उपचुनाव में हमारी पार्टी की हार हुई है, हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि सीट हम जीत जाएंगे लेकिन हमारी हार हुई है, जीत हार लगी रहती है और चुनाव हम जीतते जीतते वहां हारे हैं। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड 11 के बरकत नगर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला आया है, जिसमें फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। बता दें कि नाबालिग लड़की के द्वारा FIR दर्ज करवाया गया था, जिसमें न्यायालय के आदेश पर महिला थाना एवं मोहनिया थाना ने मिलकर संयुक्त रूप से आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की है, तो वहीं अभी तक फरार चल रहे आरोपी का कोई अता पता नहीं है, हालांकि पुलिस अभी भी फरार को ढूंढ रही है। महिला थाना कांड संख्या 13/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा मोहम्मद अबीद रजा पिता मुनीर फारूकी के विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत किया गया था, जिसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। खबर लखीसराय से है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एम्प्लॉयज ने अपनी समस्या के समाधान के लिए लखीसराय के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना किया और इस दौरान लोगों ने सरकार पर भेदभाव एवं सौतेलापन करने के आरोप लगाए। बता दें कि इस दौरान 1 दिवसीय धरने में लखीसराय जिले के हर एक प्रखंड के KGB की महिला व पुरुष कर्मी मौजूद रहे। रखना चाहेंगे सरकार हमारी मांगों को समझे सुने और हमारे दर्द पीड़ा को क्या कहते हैं 10 सूत्री मांग जो है वो निम्न प्रकार का है जो हम कहना चाहेंगे। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा
हमारे जिला में या अन्य जिला में जो संचालित किया जा रहा है उस समान हमको वेतन भत्ता महंगाई भत्ता सभी चीज़ का लाभ दिया जाए। मेडिकल सुविधा नहीं दिया जाता है सर, हम लोग का जब मृत्यु हो जाता है या अन्य किसी तरह का दुर्घटना घटना हो जाता है किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। पीएबी द्वारा जो बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो जो लाया गया है वो राशि भी हम लोग को मुहैया नहीं किया जाता है, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। यूनियन के आह्वान पर हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और हम कस्तूरबा कर्मी को 24 आवर ड्यूटी सरकार लेती है और पेमेंट बहुत कम देती है। जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित पेमेंट है वो पेमेंट में भी सरकार कटौती कर रही है, इसका मतलब है कि सरकार भ्रष्ट है। हमारे प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा जो पेमेंट तय है वो क्यों नहीं देती है सरकार, और हमारे हम लोग को छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, मात्र 16 CL हम लोग का प्रावधान है। बिहार में शुरू हुई अग्निवीर अंतर्गत सेना बहाली की प्रक्रिया के 90 दिन हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। दरअसल मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में बिहार के विभिन्न जिलों के लिए सेना बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया जाना है जिसको लेकर अभ्यर्थी बहाली की प्रक्रिया में पहुंच रहे हैं। बहाली की प्रक्रिया 2 नवम्बर से शुरू है जो की 4 दिसम्बर तक चलेगी। विभिन्न ट्रेंडों के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसको लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह और जोश दिख रहा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय में फुटबॉल दौड़ लंबी और ऊंची जंप के लिए लगभग 4000 से अधिक अभ्यर्थी बिहार के नवादा और जमुई जिले से शामिल हुए हैं। खबर नालंदा से है जहां जिला अंतर्गत इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सिहारी गांव में बदमाशों के द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया जिससे एक महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रिफर कर दिया गया। वहीं परिवारजनों का कहना है कि मामले की सूचना थाने में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या खेत जोतने गए उनको मतलब की पतारे हटा दिए, उनको खेत दिया पार के अपना किसका मतलब चंद्रिका यादव को पतारे हटा कर मतलब खेत अपना जोत कर रिटर्न होने लगे तो वहां पर पूरा अपना खेत के आगे आके गाड़ी बंद कर दिया और कॉलर भर लिया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर ब्रेक के बाद
बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है जहां दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुक 95 नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए दो पक्षों में मारपीट हो गई और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, अगला आदमी को किससे विवाद हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता है। हम लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी में गए। कौन सी का मूर्ति रहती है? लक्ष्मी पूजा के। कहाँ से? सिपा से। तो हमको छोटू और चंदन, हम उसको चिनते हैं, हमारा चैन छीन लिया और मोबाइल छीन। खबर नालंदा से है जहां सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिसके बाद हादसे में मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। टेम्पो से आ रहे थे बलोरो से, टक्कर हुआ। क्या चीज से आ रहे थे? टेम्पो से। अच्छा, कितने लोग थे उसमें? भरे ही होंगे, कम से कम 8-9 आदमी वही होंगे। तो कौन टक्कर मारा है? बलोरो वाला टक्कर मारा है। क्या पकड़ाया कि फरार हो गया? फरार हो गया है दोनों, टेम्पो और टेम्पो भी फरार हो गया। खबर नालंदा से है जहां के दीपनगर थाना क्षेत्र के राडा बिगहा गांव के पास सोमवार की देर शाम ट्रैक्टर की टक्कर लगने से दो बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को अस्पताल भेजा और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। खबर नवादा से है जहां मामूली से विवाद के चलते बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद आनन-फानन में परिजनों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। नवादा में नवीन नगर मोहल्ले में स्थित सिल्वर क्लासेस कोचिंग क्लास में आगे बैठने को लेकर क्लास के युवक के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी से एक युवक के पेट में गोली लग गई, वहीं एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। तो वहीं गोलीबारी की सूचना नगर थाना की पुलिस को दी गई तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल युवकों को आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर गोलीबारी से घायल युवक को पावापुरी रेफर कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो इसी सीट में टक्कर में हुआ था, तो खाली बोले थे उसको कि यहाँ पे क्यों नहीं बैठते हैं दो आदमी, तो उतने में वो हाथ उठा दिया, मार दिया था। तब मारा तो बोला क्यों मारा तुम, इतने खाली पूछ तो मारा क्यों, उतने में तुरंत चलाने लगा, मारने लगा, मार दिया यहाँ पे डंटा से। उसको लगता कि गोली से मारा, गोली से मारा, आवाज किया, मतलब इसी टाइप का। खबर नवादा से है जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर विद्यालय के कर्मियों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय के साथ साथ कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर सौतेले व्यवहार करने के आरोप भी लगाए। और विद्यालय में कार्यरत कर्मियों ने बताया कि वो 24 घंटे प्रतिदिन विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और कर्मियों को मिलने वाला वेतन एक दैनिक मजदूरी से भी बहुत कम है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। यार 2014 में हम बताते हैं थोड़ा सा, जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय से ही हम लोग का वेतन बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद लागू नहीं किए नीतीश कुमार यहाँ जो भी थे उस टाइम। उसके बाद अप्रैल 2018 में हम लोग को बजट बना दिल्ली से मोदी जी बनाए, उस बजट को पास नहीं किया गया बिहार सरकार के द्वारा। सहायक रसोईया है, हम लोग को 24 घंटा डिपो करते हैं, हम लोग को 6,000 रुपया मिलता है मात्र और कुछ नहीं मिलता है। बताइए हम लोग क्या करें, हम लोग को सरकार 24 घंटा डिपो लेता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बाल बच्चा के देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं और फिर भी सरकार हम लोग को 6,000 में दिन रात 24 घंटा खटाता है और फिर हम लोग बताइए मजदूरी
के भी नहीं मिल पाता। 2006 से हम लोग कार्यरत हैं और KGBB एक भारत सरकार का केंद्रीय बजट जो भी है योजना है उसके तहत हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और जिसमें हम लोग को से 24 घंटे यहाँ पे हम लोग ड्यूटी देते हैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके। उसके बावजूद भी हम लोग को इस तरह का सुविधा कोई नहीं है जबकि सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है और 16 CL में ही हम लोग को काम चलाना पड़ता है और इतना मतलब कठिन परिश्रम हम लोग को दिन रात करना पड़ता है। उसके बाद भी हमारी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए है। नवादा में तमंचे पर बार बालाओं के साथ नाच गाने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नाच गाने का कार्यक्रम मुफसल थाना क्षेत्र के तेतरिया बेलादरी गांव का बताया जा रहा है जहां बार बालाओं के डांस का कार्यक्रम गुपचुप तरीके से गांव में स्थित एक मकान के कमरे में कराया गया था। तो वहीं हथियार लहराते युवक की पहचान मुफसल थाना क्षेत्र के तेतरिया बेलदरिया निवासी के रूप में की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस वायरल वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है ये बताया गया कि जताई गई है। खबर नवादा से है जहां पटना से कोलकाता जा रही ट्रक ड्राइवर के द्वारा रजौली थाना क्षेत्र के करी गांव मोड़ स्थित होटल पर खाना खाने के लिए गाड़ी को खड़ी कर पैदल सड़क पार करने के दौरान अचानक सड़क पर गिरकर उसकी मौत हो गई। वहीं होटल से देख रहे लोग दौड़कर ड्राइवर के पास पहुंचे पर तब तक ट्रक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर नवगछिया से है जहां साहू पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के चालक की मौके पर मौत हो गई जिसके बाद मौके पर पहुंचे नवगछिया थाना के अनिहरी शंकर कश्यप ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। वहीं जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में भागदपुर के लोग पहुंच गए और इस मामले में SDPO ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की। नवगछिया पुलिस ने करारी तिनटंगा गांव में 50 साल के किसान को पुरानी रंजिश में गोली मार दी जिससे वो घायल होकर गिर पड़े और तभी दूसरी गोली उसके सीने पर अपराधियों के द्वारा चलाई गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग उस तरफ दौड़े। आदमियों को घटनास्थल की तरफ आते देख अपराधी वहां से भाग निकला। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को और परिजनों को दी। गंभीर अवस्था में घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना में करारी तीन टंगा गांव में भय का माहौल है। पूरा गोपालपुर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। बैठा था गांव में, आग उसी मार दिया। क्या गोली मारा? तीन गोली मारा। इसे कोई झगड़ा दखते था क्या? इसे झगड़ा भी था? नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से
आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रोहतास के करघर में गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि करघर थाना क्षेत्र के रजवाहा पथ पर एक महिला का शव मिलने की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि गर्भवती महिला के सिर में गोली मारी गई है। पुलिस ने मृतक के शव का फोटोग्राफी करवाई ताकि उसकी पहचान हो सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर महिला की पहचान की कोशिश में पुलिस लग गई है। आज बाहा पथ पर एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, जिसके पोस्टमार्टम के लिए हम सासाराम सदर अस्पताल लाए। महिला ज्ञात है? हाँ ज्ञात। क्या नाम है आपका? खबर सहरसा से है, जहां जिले के युवा समाज सेवियों ने गरीबों के बीच खाना वितरित कर यूपीएससी क्वालिफाइड अधिकारी का जन्मदिन मनाया। बता दें सहरसा की बेटी शैलजा ने अपनी कड़ी मेहनत व दृढ़ संकल्प से कठिन परीक्षा पास कर 83वां रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया और अधिकारी बनने के बाद सहरसा स्टेशन पर गरीबों के बीच अनेक प्रकार के व्यंजन वितरण कर हर्षोल्लास से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कई युवा मौजूद रहे। यूपीएससी में पास की हैं, सहरसा की हैं, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। हम लोग के बहुत गौरवान्वित बात है, जन्मदिन की खुशी में भोजन। मैं शैलजा दास जो थी वो यूपीएससी क्रैक की थी, कल उन्हीं का बर्थडे था तो सहरसा के युवा समाज सेवियों द्वारा उनके बर्थडे के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। कल बर्थडे था लेकिन बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके अवैध शराब के कारोबारी अपना धंधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी कड़ी में सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ा है। जानकारी के अनुसार सहरसा पुलिस को गुप्त सूचना मिली है, भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप सहरसा आ रही है और जब पुलिस ने ट्रक की जांच की तो इसमें 5684 लीटर विदेशी शराब के 668 कार्टून बरामद किए गए। साथ ही पुलिस 2 लोगों को भी गिरफ्तार की है और आगे की जांच में जुट गई है। बिहार में भू सर्वे अभियान जोरों पर है और भू सर्वे जमीन या भू मानक संबंधित पदाधिकारी किसानों के दरवाजे पर ना जाकर अपने ऑफिस में ही सर्वे कर लेते हैं, पर्चा उनके हाथों में थमा देते हैं। ताजा मामला सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुरजापुर पंचायत जिले के कई गांवों का है, जहां पर कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम सभा में उपस्थित होकर सर्वे करने वाले अधिकारियों पर रिश्वत लेकर कागज पर ही सर्वे कर लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सैकड़ों किसान काफी आक्रोशित हैं और ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर ऐसा किया है, हम लोग 2 दिन से इसमें ध्यान दिए हैं। पहले हम लोग अपने काम में मस्त मग्न थे, इधर क्या हो रहा है, सर्वे विभाग के अमीन लोग क्या कर रहे हैं ये जानकारी में नहीं था। पहली बार हम लोग सर्वे देखे हैं अपनी उम्र में, इस तरह से जो किया है ये तो घिनौना अपराध किया है। इसको जो है इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी।
बिहार के लाल राजा कुमार केसरी के द्वारा एक अनोखा हेलमेट का निर्माण किया गया, जिसमें तीन तरह की खूबियां पाई जा रही हैं, जिसको परिवहन विभाग द्वारा खूब सहारा जा रहा है। तो वहीं एसपी पटना के निर्देश पर बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार की अगुवाई में इस हेलमेट का एक डेमो दिया गया। बताया जा रहा है कि इस हेलमेट में लगा डिवाइस कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल की चोरी पर अंकुश लगाएगा, साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का काम करेगा। और अगर इसका ट्रायल सफल रहा तो आने वाले वक्त में स्थानीय बाजारों में ये अनोखा हेलमेट महज 1500 रुपए में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। इस हेलमेट का खूबी ये है कि जो आजकल बाइक चोरी हो रही है, डुप्लीकेट चाबी से जो बाइक स्टार्ट हो जा रहा है, तो उसको ये रोकेगा। ठीक है, मतलब कि जब तक हम हेलमेट को पहनेंगे नहीं, हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होगा। इन कंडीशन कि आप अपने बाइक को नीचे लगा दिए और हेलमेट आपका ऊपर है, चोर क्या करेगा कि डुप्लीकेट चाबी लेके आएगा और आपका बाइक को स्टार्ट कर लेगा, लेकिन उस कंडीशन में भी ये स्टार्ट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये हेलमेट आपका ऊपर है, जब तक ये हेलमेट आप पहनोगे नहीं बाइक के पास ले जाके, आपका बाइक स्टार्ट नहीं होने वाला। सेकंड है कि अगर आप ड्रिंक किए हुए, उस कंडीशन में भी ये बाइक को बंद कर देता है। थर्ड है कि अगर आप ट्रिपल लोडिंग में हो, तो ट्रिपल लोडिंग भी इस डिवाइस के थ्रू अलाउड नहीं है। मतलब कि एक प्रोजेक्ट में एक बाइक पे मात्र दो ही लोग बैठ सकते हैं, तीन लोगों का अलाउड नहीं है, क्योंकि जहां तक ट्रैफिक का रूल है कि अगर कोई व्यक्ति इस हेलमेट को पहन के अपने गाड़ी पर नहीं बैठेगा तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। 3 मीटर का इसका रेडियस है, 3 मीटर के रेडियस में ये हेलमेट को रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर डुप्लीकेट चाबी से या उस इग्निशन के पास जो तार आता है उसको काट के जैसे चोर वगैरह चुराते हैं, तो वो अगर हेलमेट नहीं पहने रहेगा वहाँ पर, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगी। ट्रिपल लोड अगर आदमी गाड़ी पर बैठ गए तो वो गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी अगर आप हेलमेट पहने हुए। तो ये सब खूबियाँ हैं। पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान थारू जनजाति की महिलाओं ने सबसे पहले अपना लोकप्रिय झपटा नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर कई विद्यालयों के सैकड़ों स्कूली बच्चे व सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि चंपारण को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे सभी की भूमिका अनिवार्य है। आज पूरे विश्व में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका हम उपयोग कर चंपारण को एक नई पहचान दे सकते हैं। आज पूरा विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इससे हमको अपने चंपारण सबसे अग्रणी बनाने का काम करना है। लगाता है व्हाट्सएप करता है, तुरंत बात हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है, कितनी नई नई चीजें आई। हमको ये देखना है कि जब पूरा विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारा जिला कहीं पीछे ना छूटे, किसी भी फील्ड में हमारा जिला पीछे ना छूटे, बल्कि टेक्नोलॉजी को नए नए इनोवेशन को एडॉप्ट करने वाला सबसे पहला जिला अगर कोई हो तो हम लोग बने। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है कि ब्रांड वेस्ट चंपारण तो पहले से ही बना हुआ है। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल।
जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी